सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क मेगा मॉडल सीरीज का। पिछले 2-3 दिनों से बस हम लोग यहाँ पे बॉस फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम जा रहे हैं अलग अलग डायनोस को लेके, लेकिन बॉसेस हर एक डायनो के हमारे बैंड बजा रहे। हमारा पिछला वाला जो गाइस रेक्स था, जो था अल्टीमेट रेक्स, उससे मैंने बॉस फाइट लेने की कोशिश करी थी। बट जिस स्पीड में वो गाइस बॉस को मार रहा था ना गाइस, उस स्पीड में उस बॉस को मरने में 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता। और अगर मैं किसी भी बॉस को स्पॉन करता हूँ तो वो लगता लगभग 30 मिनट या फिर 25 मिनट में जो ना गाइस डायरेक्टली गायब हो जाता है मैप से। तो वहाँ पे जो ना गाइज मैं बॉस को उस मार नहीं सकता था। तो अभी आज हम क्या करने वाले बताए, आज के इस एपिसोड में एक वहाँ पे जो बॉस स्पॉनर है ना, बॉस फाइट जहाँ पर हम करने जा रहे हैं और जहाँ से हम बॉस स्पॉन कर रहे हैं, वहाँ पे ना दो ऑप्शन आते हैं, एक तो बॉस स्पॉनर का और एक बीटा बॉस स्पॉनर का। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज के इस एपिसोड में मैं जो है ना गाइज बीटा बॉस जो है ना गाइज उसको स्पॉन कर लूँ और उसको मारने की कोशिश करूँ। मे बी वो वाला बॉस थोड़ा सा वीक होगा एंड उसको मैं काफ़ी ज़्यादा इजीली मार पाऊँगा, एंड वही काम आज हम करने वाले, देखते चलो। क्योंकि गाइज नॉर्मल बॉसेस तो गाइज अल्टीमेट वाले डायनो से मरने नहीं वाले। मैंने ओमेगा वाला टेरर बर्ड पिछले एपिसोड में बॉस फाइट के लिए टेम करा था, बट यहाँ पे उस टेरर बर्ड का खुद का डैमेज भाई 3 से 4 लाख का जा रहा है। सो मुझे नहीं लग रहा गाइज कि ये टेरर बर्ड ना यहाँ पे बॉसेस बिजनेस को मार पाएगा, इसलिए हमको जो ना गाइज कोई और पावरफुल वाला रेक्स ओमेगा वाला टेम करना पड़ेगा। ओमेगा रेक्स है क्या अवेलेबल, जरा मुझे एक बार देखने दो। ओमेगा रेक्स नहीं, ओमेगा रेक्स अभी तक तो कोई भी अवेलेबल नहीं है गाइज, ठीक है। ओमेगा गीगा, जो ओमेगा गीगा भी नहीं है। ओमेगा वाइब्रन, वाइब्रन नो, ओमेगा वाइब्रन, वाह भाई वाह। तो ओमेगा वाले कौन कौन डायनो है भाई मेरे को बताओ। चीटी, डिलोमोसोरस, भाई ये डिलोबिलो और पैरासोरस, ठीक है चलो पैरासोरस मैं मानता हूँ काफ़ी ओपी है, ठीक है पैरासोरस ओपी है, क्योंकि पैरासोरस का डैमेज जो है ना गाइज लगभग मिलियन में पहुँचने वाला था, वो भी काफ़ी लो लेवल का पैरासोरस था उसका। देखते अभी तो फिलहाल के लिए हम किसी भी ओमेगा को टेम नहीं कर सकते, हम भी बस कॉमेट, सुपरनोवा एंड मेटियोर को ही टेम कर सकते हैं, और वो जो है ना पैरासोरस अवेलेबल नहीं है। सो अभी आज के इस एपिसोड में वापस से मैं रेक्स को एक अलग बॉस से बिठाने वाला हूँ, बाकी देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पे आगे। वैसे आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद्यानी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, सो दोनों चैनल को जरूर चेकआउट करना। और गाइज मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों की, हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आपका छोटा सा सपोर्ट भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है गाइज। तो सोल उठा लेता हूँ, हीलिंग पोशन अपने पास सबसे पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है हीलिंग पोशन का कोई सीन नहीं है। ये रहा गाइस हमारा अल्टीमेट मीटियोर टेक रेक्स, एंड मुझे चाहिए होगी सोल। सो मैं यहाँ पे 104 सोल है, एक काम कर ले भाई, 104 थी सोल कहाँ पे, हाँ 108, ये 8 सोल साइड में निकाल ले। मैं खाली 100 ही सोल डालूंगा, क्योंकि मैं अगर शायद से ज़्यादा सोल डालता हूँ तो ज़्यादा पावरफुल वाला बॉस आता है ना, इसलिए मैं इस बार 100 ही सोल डालूंगा। एंड मैं सेकेंड वाला जो बॉस है ना गाइस उसको स्पॉन करके देखता हूँ कि वो बॉस कौन सा है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि उसको मैं अभी यहाँ पे मार पाऊँ, वरना तो गाइस मेरा वापस से पोपट हो जाएगा। एंड अगर वो ज़्यादा पावरफुल वाला बॉस निकला तो हमारे रेक्स की जान भी खतरे में है गाइस थोड़ी सी। और वहाँ पे अभी क्या बोलते हैं वो डोडो रेक्स नहीं, क्योंकि डोडो रेक्स जा चुका है, गायब हो चुका है, डिस्पॉन हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा रेक्स अभी जो बॉस आने वाला है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे पाए यार, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले देखना है कि इसकी मीटियोर एबिलिटी वर्क कर रही कि नहीं। बदतमीज, वाह वाह कर रहा है, हाँ ये ले मीटियोर एबिलिटी नहीं वर्क कर रही, अच्छा वो देखा मैंने, अच्छा वो देखा भाई, इसकी मीटियोर एबिलिटी वर्क नहीं कर रही है। रुक जाओ गाइस वापस से बाहर निकालने दो, ओके 28 सेकेंड गाइस मुझे वापस से रुकना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पे तब तक जो है ना गाइस एक चीज़ चेकआउट कर लेता हूँ, मेरे को देखना है अगर मैं 50 सोल डालता हूँ हाफ सोल तो क्या मैं किसी बॉस भी इसको स्पॉन कर सकता हूँ। रुक जाओ गाइस, आधे सोल्स में मैं किसी बॉस को स्पॉन कर सकता हूँ कि नहीं वो देखना है मुझे। ओके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लगभग 50 सोल,
अगर मैं ये 50 सोल यहाँ पे डालू, सेक्रीफाइस सोल का ऑप्शन आला है, और 100 डालने से समोन बीटा बॉस और समोन बॉस आ रहा है भाई, बीटा बॉस समोन कर लेंगे भाई। डरते एक एबिलिटी वर्क कर रही है, नाइस वन। ठीक है गाइस, मैं बीटा बॉस को स्पॉन कर रहा हूँ, देखता हूँ बीटा बॉस किस खेत की मूली है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा वीक बॉस ही निकले और मैं अपने रेक से उसको मार पाऊँ। रेक सर जी रेडी है ना? रेक्स तो रेडी और मैं भी रेडी हूँ। कर लेता हूँ समॉन बीटा बॉस, 1 2 3 एरवी को 9 सेकेंड लगेंगे। देख देगा इसकी कौन सा खतरनाक सा बॉस जो ना जो यहाँ पे आ जाता है। 5 4 3 2 1 ओके कम ऑन। ये कोई चीज है भाई, लो ये तो और ज्यादा पावरफुल है। नहीं 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 नहीं, फायर अटैक नहीं, फायर अटैक नहीं, सॉरी। लग गए कंट्रोलर है क्या ये? डैमेज ज्यादा पड़ रहा है लेकिन इसके ऊपर मूर्ख बालक। 17 व्हाट द हेल, मेरा डैमेज ज्यादा पड़ रहा था। मेरा डैमेज कहाँ पे ज्यादा पड़ रहा है भाई? 17 मिलियन का डैमेज है गाइस। बाप रे भाई, कंट्रोल भी कर रहा है मेरे को गाइस। ये बॉस खतरनाक है। 1 1 लाख का डैमेज दे रहा होगा इसमें। 120 अबे यार, ईलिंग खा ले भाई। बहुत गंदा मार रहा है भाई। ले मीटियर तो गिरा ही सकता तेरे ऊपर भाई। 3 3 लाख का मीटियर वाला अटैक इसको पेल देगा गाइस। मैं हार नहीं मान सकता। 17 मिलियन का भाई डैमेज दे रहा है, और भाई मैं अगर हीलिंग पोशन ना पीऊँ ना तो मेरे को इजीली पेल देगा, इजीली पेल देगा, समझ रहे हो? ओह कम ऑन वो हिल द डिग ना, क्या डाउन हो रही है FMK। हीलिंग पोशन बना ले भाई, बना ले। मीटो डाल। हाँ हीलिंग, बाप रे। ठीक है अबे क्या हुआ, अटक क्यों गया? हाँ 1 1 लाख का डैमेज देना है। आई कैन डू इट गाइस, नॉर्मल वाले को मार नहीं पाया, बीटा वाले को पेलूंगा। हाँ भाई साहब है खतरनाक बॉस, डैमेज ज़्यादा दे रहा है, मैं इसको दे पा रहा हूँ इसलिए मैं हीलिंग कंटिन्यूस हीलिंग भी दे रहे ना भाई। हीलिंग ना रुकना चाहिए। अबे 20 20 हज़ार का है, 1 1 लाख मारना। हाँ डाल। नाइस वन, कोई ना, नो प्रॉब्लम भाई। 10% तेल डाउन कर दी मैंने गाइस। देखना इस वाली बॉस को ना, मतलब मारते वक्त ना बीच में उंगलियों को आराम मिल रहा है गाइस। ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, इसलिए ना मैं इसको इजीली मार सकता हूँ। ओके नहीं, 29,000 नहीं भाई, 1 1 लाख का डैमेज पड़ रहा है। 1 1 लाख, 1 1 लाख का अंदर घुसना पड़ता है 1 1 लाख का डैमेज देने के लिए। हाँ हीलिंग नाइस वन। मीटर डाल भाई, मीटर तो डाल सकता हूँ पे बेटा, पड़ जाती 3 लाख। नाइस वन भाई, 25 मिलियन खत्म गाइस। इसकी हेल्थ 25 मिलियन। वो ड्यूड मार का है रहा भाई, इतना गंदा कैसे मार रहा है। 1 1 लाख, हाँ 1 लाख कहाँ पे इसका डैमेज पड़ रहा है देने से। कम ऑन भाई, ओह शिट, जरा सा भी गेम लैग हुआ ना रिक्स पेला जाएगा। स्टैमिना रिकवर करने दो रिक्स को, रिक्स का स्टैमिना डाउन हो चुका है पूरा, अच्छी बात है। जरा सा भी गेम लैग हुआ ना, ठीक है भाई मीटियर अटैक से मिल दूंगा तेरे को भाई। ये भी शांति से बैठा है, मैं भी शांति से बैठा हूँ। वाह भाई, मेरी हेल्थ देखना गाइस, मेरी खाली हेल्थ बार पे ध्यान देना। जब भी मैं कोई अटैक करता है ना, तब हेल्थ बार पे ध्यान दो मेरे। इसका जो स्पेशल अटैक है, देखना कैसे डाउन हो रही है। मेरे को अगर जरा सा भी लैग का सामना यहाँ पे करना पड़ा ना, तो समझ लेना मेरी बैंड बच जाएगी गाइस। समझ लेना तेरे भाई की बैंड बच गई। ओह ड्यूड लेट्स गो, मीटियर अटैक रुकना नहीं चाहिए भाई, मीटियर अटैक ही तो अपनी जान है गाइस। भाई लगभग 25 मिलियन जो है ना गाइस, जल्द डाउन होने वाली है। वाह ड्यूड क्या मार रहा है, ये नाइस। 1 लाख, लेट्स गो बॉयज। कोई ना, आई कैन डू इट। इजी 1 लाख का डैमेज दे, 1 लाख का डैमेज देना है भाई साहब।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वाह मीटियोर एफएम के, ठीक है ठीक है ठीक है। 29,000 ठीक है, कोई ना कोई ना, बावड़ा कर रहा है। 98 मिलियन। ओके ओपी ब्रो ओपी। अबे यार एक लाख मार दे रहे, पता नहीं कौन से कोपचे में मारने से इसको 1,00,000 का डैमेज पड़ रहा है भाई साहब। बॉस की भाई मैंने 25% हेल्थ डाउन कर दी, समझ लो गाइस 25% हेल्थ डाउन कर ली। बावड़ा भी कर रहा है गाइस पैसे ही है। वो लेट्स गो गाइस 90 मिलियन। यू कैन डू इट, आई कैन डू, कम ऑन। नाइस वन। हीलिंग कंटिन्यूज, नो प्रॉब्लम ब्रो। ऐसा मारूंगा तो लग रहा है इसको मुझे सीधा मुंडी करके मारना है। व्हाट, अबे पागल पिघल है क्या, किधर जा रहा है? अबे चमन, उजड़े चमन किधर जा रहा है? उस बॉस को रिजेन करने का मौका दे रहा है क्या? मेरा स्टैमिना गया गाइस, मुझे स्टैमिना रिकवर करना पड़ेगा पहली बात तो। ठीक है मैं पहले स्टैमिना रिकवर कर लेता हूँ फुल, उसके बाद हाँ कोई ना। ओह व्हाट, अबे यार जरा सा पिंग हाई चला गया गाइस, जरा सा। मैंने कंटिन्यूस दबाए हीलिंग पोशन, कंटिन्यूस दबाए, बट मेरे एक हीलिंग पोशन बस खाली मिस हुआ। रिक्स मारा गया भाई, हट बे जी भाई यार। क्या बॉस फाइट चल रही थी भाई, इजीली मार देता गाइस लिटरली। मैं उसको 30% एल राउंड कर दी थी मैंने, 95% तक आ चुका था। 95% ब्रो, हट भाई। उसका क्लोन करने वाला था भाई। छी बे भाई, क्यों भाई यार, बहुत ज्यादा दिल से बुरा लगता है गाइस। एक ही डायनो था और मुझे इस बार पूरा 100% भाई यकीन था, और इस बार ना मुझे कंटिन्यूस बाइट अटैक भी देना नहीं पड़ रहा था, मेरी उंगली को रेस्ट भी मिल रहा था। ठीक है तो मेरी उंगली भी दर्द नहीं कर रही थी, आराम से हम लोग उस बॉस को मार देते। हीलिंग पोशन बनाने के लिए मैं मेटल अनलिमिटेड, ये देखो मेटल ही मेटल लेके गया था मैं, देखो मेटल कितना है मेरे पास। मैं हीलिंग पोशन बना के उसको पेल देता खा के, बट हाई पिंग जरा से एक सेकंड के लिए पिंग हाई चली गई मेरी। मेरा एक हीलिंग पोशन खाली मिस हुआ, एक हीलिंग पोशन, उसने 17 मिलियन के डैमेज के साथ पेटी बना डाली। वाह भाई वाह यार, क्या बोलूं भाई। आरआईपी गाइस अल्टीमेट रेक्स, आरआईपी अल्टीमेट रेक्स। कोई ना गाइस, अल्टीमेट रेक्स की पेटी बन चुके हैं मेरे हिसाब से। मुझे ये वाले डायनोस को डेम नहीं करना चाहिए, मीटर बीटर से अच्छा ना मेरे हिसाब से सुनामी या फिर दूसरे जो वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है सुनामी बिनामी वाले जो डायनोज है ना, सुनामी लाइक अर्थ स्ट्रोम फायर स्ट्रोम सुनामी बिनामी, उन डायनोज को टेम करने की कोशिश में शायद से टोरनेडो को अगर टेम कर लिया ना तो और भी ज़्यादा सही रहेगा। देखता हूँ मैं अगले एपिसोड में, आने वाले एपिसोड से मैं थोड़े से अलग वेरिएंट वाले डायनोज को टेम करना चाहूँगा। मेरा मीटियोर अटैक वर्क कर रहा था, 3,00,000 का डैमेज पड़ रहा था भाई, 3,00,000 का वो कंटिन्यूस भाई, मतलब एक अटैक में मैं उसकी ना 1 से 2 मिलियन हेल्थ ना मीटियोर वाले अटैक से डाउन कर रहा था, 1 से 2 मिलियन या उससे भी ज़्यादा। एक गलती भाई, ये मेरी भी गलती नहीं थी, मैं कंटिन्यूस भाई दबा रहा था गाइस, मैं कंटिन्यूस दबा था, ये देखो ऐसे नहीं दबा के रखा था क्योंकि ऐसे दबाने से ज़्यादा खत्म होता है। मैं ऐसे दबा रहा था, ये वर्क कर रही थी ट्रिक, बट एक सेकंड के लिए हाइपिंग गया और मेरा एक क्लिक खाली मिस हो गया हाइपिंग के कारण। मिस नहीं हुआ, लेट पड़ा, मिस बिल्कुल नहीं हुआ, लेट पड़ा, और उतने में अपना रिक्स हुआ। क्या ही बोले, कोई ना गाइस बॉस फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, बट हमारा रेक्स मारा गया गाइस। नीचे कमेंट में गाइस आरआईपी अल्टीमेट रेक्स जो है ना गाइस वो लिखना नहीं भूलना। एंड अगर आज का ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा ना
पसंद तो आया होगा, बट एंड में तो सैड एंडिंग के साथ यहाँ पे एंड हो रहा है इस एपिसोड का। ठीक है, एपिसोड का मैं द एंड कर रहा होगा इसी पे। ठीक है, अपन थोड़ा सा अभी जाएंगे चिल मारेंगे, देन उसके बाद मैं सोचता हूँ कि आगे मुझे क्या प्लान करना है। गलती से मैंने बीटा वर्जन स्पॉन कर दिया जो पुराने वाले से ज़्यादा पावरफुल था। लकीली एक मिनट रुक जाओ, इसके ऊपर 1,00,000 का डैमेज पड़ रहा था, उसके ऊपर 20 मेरे को उसके उसके टाइम पे भी जो है ना गाइस, जो रेक्स था ना नॉर्मल वाला डोडो रेक्स, उसके टाइम पे भी थोड़ा आगे पीछे करके देखना चाहिए था, मे बी उसके ऊपर भी 1,00,000 का डैमेज पड़ता यार। जी यार कोई ना, चलो गाइस कोई ना, होता है। अभी तो फिलहाल के लिए एपिसोड ए पे खत्म करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे सीधा अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व आर्क मेगा मॉडल सीरीज के। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे गाइज कल के पूरे दिन की मेहनत, पूरे एक दिन की मेहनत भाई, लगातार 6-7 घंटे खेला था, वो सारी मेहनत पानी में चली गई, क्या बोले। कोई ना, चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइज, सी यू लेटर। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.